समता सैनिक दल द्वारा हाथरस हत्याकांड का निषेध आंदोलन शहर के संविधान चौक पर आज किया गया। इस दौरान योगी सरकार के विरोध में नारेबाजी कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। समता सैनिक दल द्वारा भारत की बेटी मनीषा वाल्मीकि पर हुए अमानवीय अत्याचार और देश को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में एल्गार आंदोलन किया गया है। इस दौरान योगी सरकार के खिलाफ तीव्र रोष व्यक्त कर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, साथ ही पीड़िता को न्याय देने की मांग की है। हाल ही में जो भारत को शर्मसार करने वाली जो घटना यूपी में हुई है, हाथरस गांव में एक भारतीय बेटी के तहत उसको देखा गया है और उसकी जो निर्ममता से जो हत्या, शुरुआत में तो उसका बलात्कार हुआ, चार सवर्ण जातियों के लड़कों ने उसका बलात्कार किया और उसी निर्ममता से उसकी निर्गुण हत्या की है, तो वो हत्या का निषेध और जो आरोपियों ने जो कृत्य किया है उनको तो सजा होना ही चाहिए, लेकिन साथ में वहाँ के जो प्रशासन है, जो डीएम साहब है और जो पुलिस प्रशासन, उनका बड़े पैमाने पे उन आरोपियों को अभय मिला हुआ है। उसके तहत में यहाँ पर आज जो हम उनके खिलाफ आंदोलन और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि एक इसको एक हत्याकांड के रूप में हम नहीं देख रहे हैं, ये एक मनुवाद का षड्यंत्र है। हाथरस की अमानवीय घटना और इस ओर हो रही अनदेखी जिसका निषेध करते हुए आज ये एल्गार आंदोलन समता सैनिक दल द्वारा किया जा रहा है, साथ ही पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा समता सैनिक दल की कार्यकर्ता तरन्नुम फिरदौस द्वारा कहा गया। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो गैंगरेप हुआ है और प्रशासन की तरफ से जो अनदेखी की गई है उसका विरोध जताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और बहुत अफसोस के साथ आए हैं कि हम गांधी जी ने जिस तरीके से, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से, जिस सोच को लेके इस देश को आज़ाद करवाया था, अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था, आज हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। हमको तीन तलाक बिल के अपोज में आना पड़ रहा है, हमको CNRC के अपोज में आना पड़ रहा है, हमको आसिफ पर रेप केस में आना पड़ रहा है, मनीषा वाल्मीकि के केस में हमको आना पड़ रहा है, और स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, एक्टिविस्ट के साथ क्या हो रहा है, हर जगह हम परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई अमानवीय घटना का विविध पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और पीड़िता को न्याय देने की मांग की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।